थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, तो हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। तो इसको हम गुणनखंड रूप में पहले करेंगे, हल करेंगे, तो छत्तीस अट्ठारह होगा, तो इसका हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में नाइन माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस इसको खोएंगे तो हो जाएगा नाइन एक्स, यही माइनस तो हो जाएगा प्लस में यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री। अब इसमें हम थ्री एक्स कामन आएंगे, थ्री एक्स कामन आएंगे तो हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का वन, तो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। तो एक ब्रैकेट में टू एक्स माइनस थ्री, दूसरे ब्रैकेट में थ्री एक्स माइनस प्लस वन। तो इनको हल करेंगे, टू एक्स माइनस थ्री इज्कल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस वन इज्कल टू जीरो, तो हल करेंगे तो जाएगा एक्स इज्कल टू थ्री बाई टू। एक्स का एक मान आ गया, दूसरा मान क्या होगा, एक्स इज्कल टू माइनस वन अपान थ्री। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो क्वेश्चन खबर क्या है, दो जांच करना है, दो शून्यकों के बीच शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है थ्री बाई टू प्लस बीटा है वन अपान थ्री, माइनस बी की जगह पे क्या है सेवन, सेवन ब्रैकेट में माइनस सेवन अपान ए की जगह पे सिक्स है, सिक्स हो गया। तो इसे हल करेंगे तो हो जाएगा थ्री अपान टू माइनस वन अपान थ्री, इसके टू प्लस माइनस में सेवन अपान सिक्स। तो इसे हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा इसका एलसीएम सिक्स आएगा, हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो नौ, और इस साइड करेंगे तो दो इजको टू सेवन अपॉन सिक्स, तो हो जाएगा सेवन अपॉन सिक्स इजको टू सेवन अपॉन सिक्स, यानी कि योग फल बराबर आ रहा, शून्यकों का योग फल बराबर आ रहा। अब क्या बचा, दो शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपान ए। तो अल्फा क्या है, अल्फा है थ्री बाई टू इंटू वेकेंड में वन बाई थ्री इजकल टू, सी का मान क्या है थ्री, ए का मान माइनस थ्री है और ए का मान सिक्स। तो इसे हल करेंगे तो माइनस का थ्री अपान सिक्स इजकल टू थ्री अपान सिक्स, ये भी बराबर आ रहा, दो शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ रहा। अब चौथा क्वेश्चन है, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, तो इसमें हम पहले कॉमन लेंगे
कॉमन क्या देंगे, कॉमन देंगे फोर यू, तो फोर यू कॉमन एरिया, तो यहाँ बचेगा यू और प्लस टू बचेगा, यू प्लस टू यू, तो इनके हम दो मान दिखाएंगे। तो एक टाइप फोर यू इसका टू जीरो, और एक टाइप फोर यू प्लस टू इसका टू जीरो। ये यू है फोर मत समझना, तो यू इजकल टू जीरो पॉइंट फोर, तो यू का एक मान आ गया जीरो, और दूसरे में यू इजकल टू माइनस टू, एक में जीरो आया एक में माइनस टू आया। अब इसका फार्मूला रखेंगे, दो शून्य को का योग फल इजकल टू माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है जीरो आया, बीटा माइनस टू आया, ये अल्फा है ये बीटा है, तो माइनस बी, माइनस बी, माइनस बी की जगह पर एट है, तो माइनस एट ए की जगह फोर है, तो हो जाएगा माइनस टू, और ये कटेगा तो ये भी एट, फोर टू जो एट, ये भी माइनस टू, यानी कि योगफल बराबर अब हो जाएगा दो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपान ए। तो अल्फा जीरो है, बीटा माइनस में टू है, सी का मान नहीं तो जीरो, ए का मान फोर है, फोर हो जाएगा, तो जो जी यहाँ पे जीरो से जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो ये भी आ रहा बराबर। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस पंद्रह। तो अब हम इसको वर्ग बना देंगे, क्या बना देंगे, दोनों साइड वर्ग बना देंगे, तो टी स्क्वायर और इसको हम अंडर रूट पंद्रह का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस दोनों तरफ फार्मूला बना के, फार्मूला होता नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, वही फार्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट पंद्रह, टी प्लस अंडर रूट पंद्रह। तो दो मान इसके निकालेंगे, टी माइनस अंडर रूट पंद्रह इजकल टू जीरो, टी प्लस अंडर रूट पंद्रह इजकल टू जीरो, तो टी इजकल टू रूट, एक में रूट पंद्रह आ गया टी का पहला मान, और टी इजकल टू माइनस अंडर रूट पंद्रह, एक में माइनस में आया एक में प्लस में आया, दोनों पंद्रह आए एक में माइनस एक में बीटा है, तो इसे अल्फा माने इसे बीटा माने। फार्मूला क्या है, दो शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान, तो अल्फा क्या है रूट पंद्रह, और ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस में बीटा में माइनस में पंद्रह है, बी का मान क्या है, बी का मान है माइनस पंद्रह, यहाँ पे पंद्रह वहाँ पे, और एक का मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा वन,
सॉरी, इसमें बी का मान तो है ही नहीं, बी का मान जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 है, बी का मान नहीं, यहाँ पे 2 होता उसमें होता तो यहाँ पे नहीं। तो हाँ करेंगे तो रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो ऊपर जीरो नीचे जीरो हो जाएगा, माइनस पे से भी कट जाएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये हो गया दो शून्यकों का योगफल। अब निकालते हैं दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है, अल्फा है रूट 15 और इंटू ब्रैकेट में माइनस रूट 15 इक्वल टू सी का मान 15 है, सी का मान 15 है, माइनस का 15 है, ए का मान 1 है। तो जब दोनों को गुणा करेंगे रूट 15 माइनस रूट 15 तो हो जाएगा यहाँ पे 15 आएगा, और अभी आगे ही 15, तो दोनों बराबर हैं, गुणनफल भी बराबर है। और क्वेश्चन नंबर है 6, फर्स्ट का 6 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 तीन चुक पाया। अब इसके पहले गुणनखंड रूप से हल करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x² माइनस इसको गुणा होगा तो 4x प्लस माइनस प्लस 3x माइनस 4। तो हम इसमें क्या काम मानेंगे, एक्स काम मानेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ पे 1 काम मानेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इसको 2 0, और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इसको 2 0, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4/3, एक्स का मान दूसरे में आ जाए इसको 2 -1 आएगा। ये अल्फा ये बीटा है, तो फार्मूला दो शून्यकों का योगफल, तो माइनस बी अपॉन ए, ये होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा अल्फा की जगह पे 3/4/3 और बीटा की जगह पे 1, माइनस बी की जगह पे 1 यहाँ पे है पहले से, माइनस 1 यहाँ बीच में ये 1, और ए की जगह पे 3 आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 3 4 1 4 माइनस 3 प्लस माइनस कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। हल करने पे 1/3 इसमें भी, 1/3 इसमें भी, तो ये गुण योगफल तो बराबर है। अब होगा गुणनफल दो शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है, 4/3 एंड बीटा का मान -1, सी का मान हो जाएगा -4, ए का मान है 3, तो हो जाएगा गुणा होगा तो -4/3 -4/3, ये भी बराबर है। तो अगला पार्ट नए वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।